गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग हेलोजन फैमिली इन विच वी हैव स्टडीड द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड देयर काउजेज एंड देयर कंसिक्वेंसेज. ना टुडे वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन प्रति जो एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन जो है हेलोजन के लिए, ऊपर से नीचे आने के बाद वह डिक्रीज करता चला जाता है. क्या करता चला जाता है? डिक्रीज करता चला जाता है. क्यों डिक्रीज करता चला जाएगा एफिनिटी? तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन का डिक्रीज करता चला जाता है, जिसके चलते आपका क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी मतलब कंपाउंड बनाने की जो एफिनिटी होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, और ये जाकर के आपका हाइड्राइड बना देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड. ऊपर से नीचे आइएगा तो चूंकि साइज बढ़ता चला जाएगा ना, किसका, फ्लोरिन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा. बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा वो घटता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा. जब स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं. हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहैलिक एसिड. हाइड्रोजन हैलाइड को अगर पानी में डाल दीजिए तो हाइड्रोहैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. आगे चल के इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, अब जो हम लोग उधर पढ़े हैं बस वही चीज है. डिसोसिएशन एंथैल्पी इस ऑर्डर में आपका होता है. सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF का होगा, तब HCl का, तब HBr का, तब HI का. ऐसा क्यों है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. साइज इंक्रीज करने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपका ये हो गया. तो स्टेबिलिटी जो होगा इसी ऑर्डर में आपका हो जाएगा, मतलब कि स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. और डिक्रीज करने से बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, तो H ज्यादा आयन ये देगा आपको, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तब ये एसिडिक होगा, तब ये एसिडिक होगा, तब ये एसिडिक होगा. आइए अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले डाटा को ऑब्जर्व कीजिए आप. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में डाटा देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का 190 है, इसके बाद HCl 159 डिक्रीज कर गया है. फिर यहां से देखिएगा तो 185 इंक्रीज किया है HBr में, फिर 222 हो गया, इंक्रीज कर गया, मतलब HCl से HI तक आने में इंक्रीज किया है. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का 293 है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, 189 घट गया है HCl का, और HCl से फिर आप देखेंगे तो 189, 206 और 238 क्या है आपका इंक्रीज करता चला गया है. तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया. तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा क्यों है? देखिए यहाँ पर ऑर्डर देख लाया भी है, HF सबसे ज्यादा हो गया, तब HI हो गया, तब HBr हो गया, तब HCl हो गया. HF का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? हाँ बेटा बोलिए. हाँ आवाज आपकी नहीं, साइज छोटा है सर क्लोरीन का. हाँ हाँ तो उससे क्या होगा, क्लोरीन का साइज छोटा है सर. हाँ तो उससे क्या होगा, साइज छोटा रहेगा तो कॉम्पैक्ट रहेगा, तो ऐसे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन टाइप ही करना होगा सर. इसका आंसर ऐसे दीजिए, कहिए कि सर कोई भी चीज बॉयल तब होगा जब पहले उसको हम लोग लिक्विड में लाएंगे, और HF जो होता है लिक्विड फॉर्म में ही तो एग्जिस्ट करता है. साइज छोटा होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना तो उसका बॉइलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है HF का सबसे ज्यादा हो जाता है. ठीक है, उसी तरह से आपका ये क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है HF में. तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है लिक्विड में, लिक्विड से फिर ये सोलिडिफाई कर दिए, तो इसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा HI के बाद HF का होता है, तब फिर आपका इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो यही वजह है कि ऐसा है. ठीक है, अब आ जाइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन फॉर्म्स
many oxide with oxygen, but most of them are unstable. Fluorine forms two oxide, OF2 and O2F2. Halogen का आपका oxides आपका बहुत सारे हैं, लेकिन mainly many जो है आपका unstable होता है. अब रही बात एक एक individual का, हम लोग अब देखेंगे कि fluorine के साथ oxide कैसा होगा, chloride के साथ कैसा होगा, iodine के साथ कैसा होगा, bromine के साथ कैसा होगा. तो fluorine के साथ सबसे पहले हम लोग देखते हैं, fluorine forms two types of oxide, OF2 and O2F2. ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं OF2 का? हो सकता है हम नाम जो लिखे हैं स्क्रीन पर वो गलत हो. नहीं, सही है, ऑक्सीजन फ्लोराइड है, या ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड लिखेंगे. और पढ़ाएगा भी ऐसे ही, कभी भी हम लोग डाई फ्लोरो ऑक्साइड नहीं लिख सकते और ना पढ़ सकते हैं ना, डाई फ्लोरो ऑक्साइड इसको नहीं पढ़ सकते हैं. क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यहाँ पर, और फ्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनिगेटिव का नाम जो होता है लास्ट में लिखा जाता है, और पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है. यही वजह है कि इसका नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड है ना, नॉट डाइफ्लोरो ऑक्साइड. ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, जिसमें ऑक्सीजन का प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका. उसी तरह से डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, ओ एफ टू जो होता है थर्मली स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, आपका ओ एफ टू कहिए या ओ टू एफ टू कहिए, दोनों फ्लोरेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट है. मतलब कि फ्लोरिन आसानी से लिबरेट कर सकता है, करता है. ठीक है, अब आ जाइए आप, O2F2 ऑक्सीडाइजेज प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड. अगर हम लोग O2F2 को ले लें और प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करा दिए, तो प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड देगा. एंड द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल में, फ्यूल में से जो आपका कचड़ा रहता है उससे फेंक देते हैं, उसमें हम लोग उसको रिएक्शन करा देते हैं किसे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से. तो जो प्लूटोनियम हो रहता है उसमें रह जाता है रिमेन्स उस, हाँ बोलिए बेटा, उसमें फ्लोरीन रिएक्ट कर प्लूटोनियम. हाँ बोलो. हाँ बोलो बेटा, बोलो, आवाज एकदम नहीं आ रही बेटी तुम्हारा, कौन बोल रही हो? चलिए, तो यहाँ पर प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड अलग हो जाएगा आपका, उसको अलग कर सकते हैं हम लोग, बाद में प्रोसेसिंग करके उसको यूज हम लोग करते हैं. आइए, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म्स ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिज हैलोजन रेंजेज फ्रॉम +1 to +7. तो अभी हम लोग फ्लोरीन को देख रहे थे कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है और थर्मली स्टेबल कंपाउंड बनाता है. ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, जिसमें उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +7 के बीच में रेंज करता है, वैरी करता है. आइए अब हम लोग देखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड्स टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम फॉर्म्ड बाई हैलोजन. सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जो बनाता है ऑक्साइड आपका क्लोरीन बनाता है, सॉरी आयोडीन बनाता है, तब क्लोरीन बनाएगा, और ब्रोमीन का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होता है, कंपेरेटिवली अनस्टेबल होगा. क्यों होता है बता सकते हैं? ऑक्सीजन ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आपको आयोडीन के साथ बना रहा है, तब क्लोरीन के साथ बनाएगा, तब ब्रोमीन के साथ बनाएगा, बता सकते हैं? हम खाली ये दो वर्ड लिख के निकल गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स. हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस. हाँ बेटा बताइए, रीजन बताइए. यस सर. हाँ रीजन बताइए आप लोग, ऐसा क्यों है ये रीजन, सबसे ज्यादा आयोडाइड का क्यों है?
नहीं मालूम। अच्छा कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं ना तीनों का अलग अलग करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका स्क्रीन पर पहला आपका आया OI बॉन्ड इज स्टेबल, ये ना है ऑक्सीजन आयोडाइड के साथ आयोडीन के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो सबसे ज्यादा ये पोलराइजिंग बॉन्ड होता है, ठीक है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, डिपोलराइज हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड चले हो जाएंगे, तो ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, जिसकी वजह से बॉन्ड का पोलरिटी ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि आपका यह ज़्यादा स्टेबल है। अब आइए ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड भी स्टेबल है लेकिन आयोडीन से कम है, तो इसमें होता क्या है कि क्लोरीन में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, जिसके वजह से आपको यह मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करा के ऑक्सीजन क्लोरीन डबल बॉन्ड बना देगा, आपको मल्टीपल बॉन्ड बना देगा, जिसके वजह से क्या कहा जाता है आपको यह ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब रही बात ऑक्सीजन और ब्रोमीन का, तो इसमें होता क्या है कि दोनों में से दोनों फैक्टर इसमें लैग करता है, कौन कौन लैग करता है, तो ड्यू टू लैग ऑफ, पहला है आपका लेस पोलरिटी, ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड जो होता है लेस पोलर बॉन्ड होता है, और दूसरा क्या है लैग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके चलते आपको ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड जो होगा लेस स्टेबल होगा। तो यहां से रीजनिंग पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में कैसे लैंग्वेज दिया हुआ है वो आपके स्क्रीन पर है। हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, यही लैंग्वेज है। तो जो हम दिए हैं वो याद रखिए, ये एनसीईआरटी के याद रखिए, ठीक है, एक ही बात है। फिर है आपका इन द केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, और यही दोनों चीज लैक कर जाता है ब्रोमीन में, ब्रोमीन लैक्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन इज लिस्ट, और यही वजह कि लिस्ट स्टेबल है, ठीक है। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन, the higher oxides of halogen tend to be more stable than the lower, higher oxidation state में halogen जो होता है वो ज़्यादा stable होता है than that of lower one, ऐसा क्यों होता है बता सकते हैं, higher oxidation state में क्यों stable है? the higher oxides of halogen tend to more stable, ऐसा क्यों? तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा ना, तो कंपेल करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आसानी से, यही वजह है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आपका ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। आइए अब आइएगा मिडिल में, यानी कि एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है ये, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट द फ्रेज मिडिल रो एनोमैली रिफर्स टू रिलेटिव इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्रोमीन ऑक्साइड ना, पूछता है एक बार आपका क्वेश्चन पूछे हुए है, मिडिल व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल रो एनोमैलीज, तो मिडिल रो एनोमैलीज में आपको आ जाता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होते हैं कंपेरेटिवली जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और अनस्टेबिलिटी का रीजन हम लोग पढ़ लिए, वो रीजन क्या था क्या कहा जाता लैक ऑफ पोलरिटी, और दूसरा था लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ना, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता था और पोलरिटी भी कम था, जिसके चलते वह अनस्टेबल होते हैं, इसी चीज को मिडिल रो एनोमैली हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, एनसीईआरटी का वर्ड है ये आपका, इसको जानना था ये मैं बता दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ फिर, क्लोरीन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हम लोग को देखना है, तो इसमें देखेंगे क्या कि क्लोरीन का जैसे ऑक्साइड्स ले लिए ना, तो डाइक्लोरोऑक्साइड ना, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड, फिर Cl2O3 Cl2O7 हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड्स, और ये एक्सप्लोड भी कर जाते हैं। ClO2 is used as bleaching agent for paper, pulp and textile and in water treatment. The bromine oxides,
जो कि कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, आर लिस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड एंड नोन एज मिडिल रो एनोमली एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली द आयोडीन ऑक्साइड्स I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and decomposes on heating. I2O5 is very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide. आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं reactivity towards metal. हैलोजन रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। जितने भी हैलोजन हैं मेटल से रिएक्ट करा दीजिए तो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लिए और ब्रोमीन के साथ उसको हीट करा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड जो होगा फ्लोरिन के साथ होगा, तब क्लोरिन के साथ होगा, तब ब्रोमीन के साथ होगा, तब आयोडीन के साथ होगा। आयोडीन के साथ आपका, हाँ बेटा बोलिए बोलिए, हाँ पूछिए अखिलेश सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बेटा आज लाइट नहीं है तो जिसके वजह से नेटवर्क बहुत ज्यादा काट दे रहा है बेटा, नेटवर्क बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से तो आज कनेक्ट हुआ है। हम भेज दिए थे आप लोग के पास एक छोटा वर्ष सिर्फ है, ठीक है, जाहिर सी बात है परेशानी आप लोग को हो रही होगी, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, दो चार पांच मिनट और झेलिए, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, इसके बाद कम ही आज पढ़ाऊंगा, नेटवर्क आपका कम है। हाँ यहाँ पर अभी अभी आवाज कुछ क्लियर हुआ होगा, अभी तीन टावर आ रहा है, तीन डंडा भी दिखा रहा है, आवाज कुछ पहले से क्लियर हुआ है, तीन डंडा भी दिखला रहा है, कुछ आवाज आपका क्लियर हुआ होगा, मतलब मेरी आवाज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए क्या कीजिएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ही, तो आया है मैं क्या कर दिया था, दब गया। चलिए तो हैलोजन रिएक्ट विद, हाँ हैलोजन को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे या किसी भी मेटल के साथ हैलोजन का रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हैलाइड बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आयनिक जो होगा फ्लोराइड के साथ होगा, तब क्लोराइड के साथ होगा, तब ब्रोमाइड के साथ होगा, तब आयोडाइड के साथ होगा। फिर एम इज ए मोनोवैलेंट मेटल, एम जहां आपका मोनोवैलेंट मेटल है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, मेटल फ्लोराइड, सपोज एन सोडियम फ्लोराइड ले लिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड ले लिए, तो सबसे ज्यादा आयनिक जो होगा सोडियम फ्लोराइड होगा, क्यों? आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सोडियम फ्लोराइड में होगा, क्यों? देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सर एक इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं। हाँ तो सोडियम आयोडाइड भी तो आयोडीन को भी तो दे देगा, क्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे कह दीजिए पर आयोडीन के इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, मेटल के तरफ जाने लगेंगे, तो वह कंपेल कर देगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। यही वजह है कि कम कोवेलेंट, मतलब के क्या कहा जाता है, आयोडाइड के जो आयोडीन के जो कंपाउंड होंगे वो कम आयनिक हो जाएंगे ना, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या कहा जाता है, पोलराइजिंग पावर जो होगा, उसके इलेक्ट्रॉन जो डिपोलराइज होकर के मेटल के तरफ जाएंगे वो जल्दी नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले लेगा, आसानी से लेकर वहां आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए वो कंपेल हो जाएगा। लेकिन आयोडाइन आयोडीन के साइज तो एक तो बड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से डिपोलराइज होकर के मेटल के तरफ जाने लगेगा, तो आयनिक कैरेक्टर वहां घट जाता है। ऐसे इसका आंसर देना है ना। अब आइए क्या कहा जाता है, इफ ए मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, the halide in higher oxidation state will be more covalent than one in lower oxidation state. तो higher oxidation state में ज्यादा covalent bond बनाएगा और lower oxidation state में कम ये covalent bond होगा, ऐसा क्यों, इस line पर कोई बोलिए। तो
भाई पोलराइजिंग पावर के बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो प्लस चार्ज उस पर रहेगा, और जब प्लस चार्ज रहेगा तो हैलाइड के इलेक्ट्रॉन को, हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से डिपोलराइज ज्यादा करेगा, तो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा तो डिपोलराइजिंग पावर जो होगा वो हैलाइड का वो कम कर पाएगा, जिसकी वजह से वो आयनिक की तरफ बढ़ने लगेगा। मतलब कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहने पर कोवेलेंट ज्यादा होगा ना, ऐसे। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसलिए डिस्कस कर दिए हम लोग ये। चलिए अब आ जाइए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन। हैलोजन जो है दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करने के बाद ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं आपको चार तरह का है ना, एक्स एक्स डैश, एक्स 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 डैश थ्री, एक्स एक्स डैश फाइव, एक्स एक्स डैश सेवन। मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से है, वन ऑक्सीडेशन स्टेट, थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइव है और सेवन है, जहां एक्स इज लार्जर साइज हैलोजन एंड एक्स डैश इज स्मॉलर साइज हैलोजन। स्मॉलर साइज वाले हैलोजन वाले का संख्या ज्यादा होगा और लार्जर वाले का संख्या कम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो जब साइज बड़ा वाला साइज वाला ले लेंगे तो उसमें छोटे साइज के हैलोजन को आसानी से हम लोग एकोमोडेट करा देंगे, जैसे आई एफ सेवन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एफ आई सेवन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ लार्जर साइज ऑफ आयोडीन एटम कैन नॉट बी एकोमोडेटेड। इसीलिए जो हम लोग कम नंबर में है, कम जनसंख्या में है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और उसमें छोटे छोटे हैलोजन वाले जो एटम है या मॉलिक्यूल है, ये हैलोजन है, वो आसानी से एकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, इंटर हैलोजन कंपाउंड और अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको डिटेल्स में हम लोग फिर देखेंगे। अब आ जाइए, हम लोग को क्लोरीन के बारे में जानना है। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शेली बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन मैंगनीज डाइऑक्साइड इन 1810। डेवी एस्टैब्लिश्ड इट्स एलिमेंट्री नेचर एंड सजेस्टेड द नेम क्लोरीन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर, वेयर द वर्ड कलर, ग्रीक वर्ड कलोर्स मीन्स ग्रीनिश येलो, और क्लोरीन का कलर जो होता है ग्रीनिश येलो होता है, उसी के आधार पर इसका नाम जो हो गया कलर से क्लोरीन पड़ गया। ठीक है, तो ये कौन कहा, कब कहा, ये जानना जरूरी नहीं है, इतना जानना जरूरी है आपके लिए कि क्लोरीन जो होता है कलर, अपने कलर के चलते ग्रीक वर्ड में क्लोर वर्ड आता है जिसका मतलब ही होता है ग्रीनिश येलो, उसी के चलते इसका नाम क्लोरीन पड़ा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन का दो मेथड है प्रिपेयर करने का, दोनों में से कोई भी मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बाई हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, उस पर मैंगनीज डाइऑक्साइड से उसको ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, तो MnCl2, Cl2 और वाटर में बदल जाएगा। However, a mixture of common salt and concentrated sulfuric acid is used in the place of HCl. HCl के जगह पर हम लोग क्या कहा जाता है, concentrated sulfuric acid यूज कर सकते हैं। किस पर? तो NaCl और MnO2 के मिक्सचर पर। तो फिर आपका क्लोरीन गैस बन जाएगा। और दूसरा आपका प्रिपरेशन जो है पोटासियम परमैंगनेट पर HCl सॉल्यूशन डाल दीजिए। ठीक है, डालते ही आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगा, पोटासियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड और वाटर साइड प्रोडक्ट निकलेंगे और क्लोरीन गैस आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो हम लोग क्लोरीन का मैन्युफैक्चर, पहला प्रोसेस जो है इसका बाय डेकन प्रोसेस है, और डेकन प्रोसेस में हम लोग HCl को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक क्यूप्रिक क्लोराइड ना एट 723 केल्विन। तो डायरेक्ट यह क्लोरीन में बदल जाता है HCl ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यही इस प्रोसेस को हम लोग डेकन प्रोसेस कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस में आप देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं क्या, सलाइन वाटर ले लेते हैं। सलाइन वाटर कौन सा, यानी कि सी वाटर, NaCl वाला वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन है, उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह वाटर भी तो हाइड्रोलाइज कर जाता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, और यहां पर बता चुका हूं कि दोनों में कंपटीशन हो जाता है, जिसके चलते आपको क्या कहा जाता है,
एक जगह क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाता है एनोड पर, ठीक है, इसके बाद एक जगह हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है कैथोड पर, और सॉल्यूशन में Na+ और OH- रह जाता है, ठीक है। तो यही क्लोरीन गैस जो है एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाता है, किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सलाइन वाटर से, यानी NaCl के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस कराने से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्लोरीन गैस मिल गया। इट इज ऑल्सो ऑब्टेंड बाई एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मेनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज तो आपके साथ ही है, टाइम कितना हो गया देखो तो 46, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। वजह कि आपको लॉग इन करके एग्जाम देना होगा, एग्जाम में बैठना जरूरी है, फिर आप लोग उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर, इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इन टू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयल्स एट 239 केल्विन, इट इज इनसोलुबल इन वाटर, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ ए नंबर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोराइड्स। जैसे क्लोरीन एल्युमिनियम से रिएक्शन करा दीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ करा दीजिए सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ करा दीजिए फेरिक क्लोराइड, फास्फोरस के साथ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, सल्फर के साथ सल्फर क्लोराइड बन जाएगा आपका, ठीक है। बस आज इतना ही, ठीक है, आज क्लासेज हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं और फिर हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू मैं करूँगा। तो आप जरूर से जरूर एग्जाम में बैठिए। एग्जाम